सोच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। वाराणसी में पेट्रोल पंप संचालक के अपहरण का प्रयास, फॉर्चूनर सवार चार लोग जबरन ले जा रहे थे, जांच में जुटी पुलिस। चारधाम लौटते समय हादसे का हुए शिकार, वाराणसी लखनऊ एनएच पर खड़ी ट्रक में घुसी सफारी, एक की मौत, दो घायल। नोएडा में कॉल सेंटर के सेकेंड फ्लोर पर लगी आग, पांच लोगों को किया गया रेस्क्यू, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, रेलवे ट्रैक पर मिला, 12 दिन से गायब था मृतक भाई, बोला आज मिला शव। ट्रैक्टर में लगे कृषि यंत्र से कटकर युवक की मौत, जमीन की जुताई कर रहा था युवक, रोटावेटर की चपेट में आया, संभल की घटना। आगगा में थाना के पूर्व प्रभारी पर एएसआई का मुकदमा, थाने से आरोपी को छेड़ने व गलत रिपोर्ट देने का आरोप। रायबरेली में बेटी को जन्म देना मां को पड़ा भारी, पीड़िता की मां बोली जब से बेटी हुई तब से मेरी बेटी को रोज मारते हैं। हाथरस में देवर की हत्या कर भाभी ने थाने में किया सरेंडर, दुपट्टे से गला दबाकर मार डाला, 8 घंटे शव के साथ रही। महोबा में बकाया विद्युत बिल वसूलने के लिए चलाया गया अभियान, बकायेदारों में गांधीगिरी दिखाते हुए पहनाई गई माला। प्रयागराज में सीता स्वयंवर में हर्ष फायरिंग, मंचन में माता सीता के वरमाला पहनाते, 4 सेकंड में 3 फायरिंग, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर। सुल्तानपुर में चोरियों के खुलासे पर प्रश्नचिन्ह, ताबड़तोड़ घटनाएं, बंदुआ कला थाने से चंद कदम की दूरी पर चोरी दुकान को बनाया निशाना। अमरोहा में दरोगा का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, जमीन की पैमाइश के नाम पर मांगे थे 10,000, सीओ बोले जांच के बाद होगी कार्रवाई। कानपुर में हॉस्टल में नहाते वक्त लड़कियों के बनाए वीडियो, सफाई कर्मी मोबाइल में मिले अश्लील वीडियो, छात्राओं ने छोड़ा हॉस्टल। आगरा में ऑटो चालकों ने की हड़ताल, पुलिस पर लगाए उत्पीड़न के आरोप, लाल ऑटो के सेवला जाने से रोकने का हो रहा है विरोध। कुशीनगर में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। लखीमपुर खीरी में इलेक्शन ऑफिस पहुंचे डीएम, ईवीएम के फर्स्ट लेवल को किया चेक। चंदौली के चहनिया में लगा निःशुल्क बूस्टर डोज का कैंप, कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए शुरू हुई पहल, जनजन का होगा टीकाकरण। फतेहपुर में एसएसपी ने थानों का किया औचक निरीक्षण, अपराधियों पर नकेल कसने की दी हिदायत। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, मर्चेंट नेवी ऑफिसर के यहां डकैती डालने वाला बदमाश हुआ घायल। झांसी में दीप नारायण का दोबारा रिमांड चाहती है झांसी पुलिस, कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी।
बाराबंकी में शारदीय नवरात्रि पर सजा माता का दरबार, रात के समय सिंह पर सवार होकर आती है मां, किसी को रोकने की अनुमति नहीं। उन्नाव में प्रेमी ने प्रेमिका के मां बाप पर चाकू से बोला हमला, पुलिस में शिकायत करने के कारण था नाराज, दंपत्ति जिला अस्पताल में रेफर। बिजनौर में किशोर की गला रेतकर हत्या, लहूलुहान हालत में बाग में पड़ा मिला शव, आईडी कार्ड से हुई शिनाख्त। देवरिया के स्कूल में टीचर का थर्ड डिग्री टॉर्चर, नवी के छात्र को डंडे से पीटा, बाल भी नोचे, हाथ मरोड़कर कहा दिमाग बहुत खराब है। विकास दुबे के भांजे पर लगा एनएसए विक्रूकांड में विकास के साथ सेमी ऑटोमेटिक राइफल से बरसाई थी अंधाधुंध गोलियां। अमेठी में तेज रफ्तार डीसीएम अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई, डीसीएम सवार ड्राइवर समेत खलासी गंभीर रूप से हुए घायल। औरैया में संदिग्ध हालत में मिला लापता नाबालिग का शव, शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बलिया में स्वास्थ्य विभाग के खेल को ग्रामीणों ने किया उजागर, प्राइवेट वाहन से लाखों के सरकारी उपकरण ले जाते समय ग्रामीणों ने पकड़ा। बुलंदशहर में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में इनामी बदमाश गिरफ्तार, एक साथी हुआ फरार। गोंडा में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी बाइक सवार को टक्कर, टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में भाजपा विधायक की गाड़ी रोकने पर शोरूम में दिखाई दबंगई, भाजपा विधायक पर लगा मारपीट का आरोप। अमेठी में ई रिक्शा सवार को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में तीन लोगों की मौत, सात अन्य घायल। अलीगढ़ में महाराजा अग्रसेन जयंती के स्वागत, द्वार तोड़ने पर अग्रसेन समाज के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, फूंका पुतला। गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर क्षेत्र में हुए सड़क हादसे का सीसीटीवी आया सामने, हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की हुई थी मौत। गोंडा में डीएम की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न, लापरवाही बरतने वालों पर डीएम हुए सख्त। बलिया में धान के खेत में शव मिलने से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन में जुटी। अलीगढ़ में 8 अक्टूबर को आयोजित होगा सामाजिक संस्था दायित्व वार्षिकोत्सव, वार्षिकोत्सव में समाज सेवियों को किया जाएगा सम्मानित। बलरामपुर में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, साथ में असीम वरुण समाज कल्याण मंत्री भी मौजूद रहे। बुलंदशहर में ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैनेजर ही निकला चोर, पुलिस ने कंपनी मैनेजर समेत दो आरोपी को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में सरकारी स्कूल में बच्चे लगा रहे हैं झाड़ू, झाड़ू लगाते हुए वीडियो हुआ वायरल। गाजियाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को दबंगों ने पीटा, वीडियो हुआ वायरल, आरोपी गिरफ्तार। गोंडा में जलस्तर बढ़ाने के लिए तालाबों का हो रहा सुंदरीकरण, तालाबों में मत्स्य पालन पर लगातार हो रही है कार्य।
राजस्थान शहर में एआरटीओ ने दफ्तर के बाहर बैठे दलालों पर चलाए अभियान। अभियान के दौरान सभी को दी गई चेतावनी। गोरखपुर में जिला महिला अस्पताल में लगाया गया पालना। मां मुझे जीना है, मुझे नेकी के पालने तक पहुंचा देना। हमीरपुर में हुए सामूहिक हत्याकांड के आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट परिसर में उमड़ा समर्थकों का भीड़। हरदोई में रुपए लेते हुए लेखपाल का वीडियो वायरल। एसडीएम बोले वीडियो की जांच कर होगी कार्यवाही। कुशीनगर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विकास योजनाओं की समीक्षा की। हेल्थ सेंटर में कंप्यूटर न होने से सीएमओ को लगाई फटकार। हरदोई में भाड़े के ग्राम पंचायत सचिव से चलती है 6 ग्राम पंचायत। जरूरतमंदों को नहीं मिल सका सरकारी योजनाओं का लाभ। नोएडा में ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी वालों ने गेट किया बंद। अतिक्रमण हटाने का 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। हरदोई के बालामऊ ग्राम पंचायत भवन में हो रहा रंगारंग कार्यक्रम। मंच पर ही चल रही शराब। पुलिस ने की नहीं की कोई कार्यवाही। प्रतापगढ़ में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने में बाधा। शिकायत थी पर जिहादी मानसिकता के लोगों को पर होगी कठोर कार्यवाही। प्रयागराज के जसरा में 2 अक्टूबर को निकाली जाएगी विशाल तिरंगा यात्रा। एकता का संदेश देने के हेतु तिरंगा यात्रा में सैकड़ों युवा होंगे शामिल। हरदोई में मुर्गा न बनने पर खलनायक गैंग के सदस्यों ने युवक को पीटा। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। रायबरेली में अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 गंभीर रूप से घायल। हरदोई में ब्लाइंड मर्डर से सनसनी सरेआम युवक की गोली मारकर की गई हत्या। आरोपी मौके से हुआ फरार। पुलिस जांच में जुटी। संभल में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान। अभियान में रेलवे स्टेशन पर व रेल परिसर में गंदगी न फैलाएं। सिद्धार्थनगर नवरात्रि के अवसर पर जगह जगह लगे गए श्री दुर्गा प्रतिमा के बड़े बड़े पंडाल। भक्ति में लीन लोगों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। संभल में दलित छात्र की मौत से दलितों में भारी आक्रोश। आक्रोशित लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीतापुर में होमगार्ड का अमानवीय चेहरा आया सामने। होमगार्ड के निकासी के नाम पर किसान की कर दी पिटाई। सुल्तानपुर में रामलीला मैदान में अयोध्या के कलाकारों द्वारा किया गया फुलवारी लीला और धनुष यज्ञ का मंच। बुलंदशहर में परिषदीय विद्यालय में क्लासरूम में कैद हुई बच्ची। छुट्टी के बाद शिक्षक ताला लगाकर गए घर। शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने युवक से लूटी चैन। घटना का सीसीटीवी आया सामने। पीड़ित युवक ने थाने में की थी शिकायत। गोंडा में 2 अलग अलग मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में 1 की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल।
लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे मामले में आरटीओ की शुरुआती जांच में हुआ बड़ा खुलासा। रुद्र ट्रेवल्स का बस और ट्रक में हुई थी भिड़ंत। लखनऊ में डायरिया और डेंगू प्रकोप जारी। राजधानी में डायरिया से बच्ची की मौत। डेंगू के 18 नए मामले राजधानी में आए सामने। नोएडा के कॉल सेंटर में आग लगी, सभी को सुरक्षित निकाला गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देवरिया में दो पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल। दो पक्षों में मारपीट और पथराव करते आए नजर। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला की मौत। बिस्तर पर पड़ा मिला शव। जांच में जुटी पुलिस। गाजीपुर में तीन गौ तस्करों की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने की कुर्की की कार्यवाही। लखीमपुर खीरी में लोक निर्माण मंत्री जितेन प्रसाद का एक दिवसीय भ्रमण। कल विधायक योगेश वर्मा के निधन पर करेंगे शोक व्यक्त। लखनऊ में रात्रि पुलिस के गश्त के दावे हवा हवाई। एक साथ तीन चार कैंटीनों का टूटा ताला। चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अवैध अतिक्रमण पर नोएडा प्राधिकरण का चला बुलडोजर। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। लखीमपुर खीरी में युवक ने लगाई पुल से जौराहा नदी में छलांग। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस युवक की तलाश में जुटी। लखनऊ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाली फर्जी इंस्पेक्टर गिरफ्तार। हाथरस के गैंगस्टर की संपत्ति की जब्त। अलीगढ़ की गोंडा पुलिस ने हाथरस जाकर की कार्रवाई। संपत्तियों का जुटाया जा रहा है विवरण। फिलहाल के लिए 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।